अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नासिरास कुजीन। आज हम बना रहे हैं कराची हलवा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 1.5 कप पानी का ऐड कर देना है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, हमारा कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। दूसरी तरफ एक पैन लेना है, इसमें मैंने 1.5 कप चीनी और 1.5 कप ही पानी दिया है और चीनी को डिज़ोल्व होने तक इसमें पका लेना है अच्छे से। जब हमारी चीनी पानी में अच्छे से हल हो जाए तो यहाँ पर हमने फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम यहाँ पर ऑफ ही रहने देनी है। मिक्सचर को चीनी के पानी में डालने के बाद फ्लेम हमने लो कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है और मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना है। और इसको जब तक ये थिक ना हो जाए इसको मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम हमने मुसलसल लो ही रखनी है। जब इसमें लम्स पड़ने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है हमारा हलवा जो है वो ठीक होना शुरू हो गया। चम्मच हमने मुसलसल हिलाना है, ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें इलायची का एसेंस 1/2 टीस्पून और टार्टरी पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। 5 से 10 मिनट से अच्छे से हिला लेना है और इसके बाद इसमें यहाँ पर हमने इसको ट्रांसपेरेंट होने पर इसमें हमने कलर ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे मुसलसल हिलाते रहना है और यहाँ पर अब हमने इसमें घी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड करना है जो कि 1-1 टेबलस्पून करके इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून घी ऐड करके इसको अच्छे से हिलाना है और उसके बाद इसमें दूसरा टेबलस्पून भी इसमें ऐड कर देना है। इस तरह हमने 3 टेबलस्पून इसमें घी डाल दिया। जब ये हलवा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें हमने कुछ नट्स डालने हैं। आप नट्स अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी नट्स इसमें डाल लें और इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने पका लेना है। जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और एक साथ जुड़ जाए तो ये तैयार है हमारा हलवा। इसको हमने एक पैन में निकाल लेना है। हलवा हमारा तैयार है, इसको एक ग्रीस लेके पैन में मैं निकाल लूँगी। और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। ये तकरीबन 1 से 2 घंटे में हमारा हलवा बिल्कुल जम जाएगा और तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको अपने हिसाब से टुकड़ियों में काट लेना है, जितनी भी आपको टुकड़ी पसंद है उस हिसाब से इसे काट लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1-1 इंच के टुकड़े फासले से इन्हें काट लिया। मज़ेदार हमारा कराची हलवा तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।